वेलकम टू द चैनल गाइस, मेरा नाम अमित, वीडियो में स्वागत है आपका। और फिर से आ गया हूँ एक न्यू लोकेशन के साथ में। आपको इस बार लेकर आया हूँ सेक्टर 12-22 पे नोएडा में, और नोएडा स्टेडियम में लगा हुआ है इस समय नोएडा सी वर्ल्ड कार्निवल, जो कि चलने वाला है 28 अप्रैल तक गाइस। तो अभी बहुत टाइम हुआ है, होली के जस्ट बाद का वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो गाइस ये है मेन एंट्रेंस, और अभी नोएडा सेक्टर स्टेडियम के गेट नंबर 6 पे मैं खड़ा हूँ, और जो कि मेन एंट्रेंस है यहाँ पर। और मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ आने के लिए, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको सेक्टर 16 का जो मेट्रो स्टेशन है वो सबसे पास पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, जैसे किंग कॉन्ग एंड डायनासोर पार्क है, बच्चों के लिए झूले हैं, बाकी शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। जो मेन अट्रैक्शन जो है यहाँ पे नोएडा सी वर्ल्ड कार्निवल का है गाइस, ये बाइक की पार्किंग यहाँ पे दे रखी है। और जस्ट एंट्रेंस के सामने जो है आपके कार पार्किंग है, ये आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, और किसी को भी जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पर पार्किंग के बारे में। तो और सामने ये है सी वर्ल्ड कार्निवल, इसकी टिकट भी लेनी होगी मुझे, तो टिकट लेते हैं फिर अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर पे टिकट जो है वो एंट्री टिकट 30 रुपीज़ रखी हुई है। तो गाइस ये टिकट ले लिया मैंने इस समय, ये 30 रुपीज़ की, और ये ट्रेड फेयर इस पर लिखा हुआ है टिकट का, लेकिन ये सिर्फ एंट्री फीस है। एक्वेरियम के लिए जो टिकट है ना वो अलग से मिलेगी आपको। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं वो कितने की टिकट है। तो गाइस सामने जो है ना ये टिकट काउंटर है, आई थिंक इसकी टिकट सही भी होनी चाहिए। बाकी इस वाले ऑडिटोरियम को काफ़ी अच्छा जो है तरीके से सजा रखा, और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक कि मुझे इससे थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है यहाँ पे। तो अंदर जाते हैं, टिकट लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस टिकट मैंने ले लिया है, ये है 100 रुपीज़ की पर पर्सन जो है। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या है। ये लो भैया, तो गाइस अंदर मैं आ चुका हूँ, और क्योंकि कल थी होली और उसके बाद आज जो है भीड़ काफ़ी कम दिखाई दे रही है मुझे, तो दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग सा है। ये देखिए गाइस, ये पहली फ़िश है, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर फिश का जो है नाम दिया हुआ है, रॉयल नाइफ फिश गाइस। और ये है लॉबस्टर, लॉबस्टर मैं दिखाता हूँ, काफ़ी छोटी छोटी पतली सी साइज़ की एल्बिनो जाइंट गोरामी करके नाम है। ये देखिए कितनी सुंदर फिश है ये, और एकदम वाइट फ्लावर हॉर्न फिश। ये देखिए गाइस, एकदम छोटी सी लेकिन खुला हुआ मुंह है इसका, कितनी अच्छी लग रही है। एक दो यहाँ पर भी है गाइस, वो पीछे पाइप के शुबुनकिन गोल्ड फिश गाइस, ये देखिए वाओ। जिराफ कैटफिश ये है, ये देखिए वाओ, छोटे बड़े साइज़ की बहुत सारी फिशेज है गाइस, ब्यूटीफुल। ये देखिए गाइस ऑरेंज कलर की फिश है, नाम इसका हट गया है गाइस, तो पता नहीं है कि नाम क्या है, बट शी इज लुकिंग रियली नाइस। और ये कहना गलत नहीं होगा गाइस कि द्वारका बेला में जो फिशेस का एक्वेरियम लगा हुआ है उससे फार बेटर ये कलेक्शन है यहाँ पे। ये देखिए वाओ, और ये कुछ ये किस फिश है गाइस, यहाँ पे देखो इनमें इनके मुँह पे गाइस कुछ स्पाइक्स जो है लगी हुई हैं कील सी, लेकिन ये काफ़ी सुंदर लग रही है। ओरेंडा गोल्ड फिश, वीटेल टिन फॉइल बार्ब, ये एक फिश है, ये देखें वाइट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट लग रही है गाइस, ये काफ़ी सुंदर फिश है।
टाइगर बार्ब, ये कुछ इसकी स्किन कुछ टाइगर से मिलती जुलती है गाइस, इसलिए इसका नाम आई थिंक टाइगर बार्ब लिखा हुआ है। कॉन्विक्ट सिसलेट, कॉन्विक्ट सिसलेट है गाइस, इसका नाम है कॉन्विक्ट सिसलेट। थोड़ी सी गाइस लाइट कम है यहाँ पर, जिस वजह से इनकी प्रॉपर टेक्सचर दिख नहीं रहा है। ये देखिए कलर्ड विडो टेट्रा, ये देखिए बहुत सारी छोटी फिशेस मल्टी कलर्ड में, वाह। और गाइस जो लोग द्वारका एक्वेरियम में विजिट किया था, जिन्होंने अगर उन्हें डिसअपॉइंटेड मिली होगी तो वो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कमी नहीं है फिशेस की और वैरायटी बहुत अच्छी है और बहुत सारी फिशेस है यहाँ पे। और ये सिल्वर एरोवाना काफ़ी बड़ी फिश है, देखिए वाओ। काफ़ी शांत और बहुत आराम से तैरती हुई गाइस, ब्यूटीफुल। और जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि द्वारका में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत मुश्किल हो रहा था वहाँ पे ब्लॉग करना। और ये स्टिंग्रे गाइस, इसके बारे में क्या चाहते हैं कि आई थिंक ये कुछ लीथल होती है शायद, कुछ इन्फॉर्मेशन तो है नहीं इसके बारे में। ये कैसे देखिए तैरती हुई, वाव। और एक जो है नीचे सो रही है, रेनबो शार्क, वाव। देखिए छोटी छोटी शार्क्स है, रेनबो रेनबो शार्क्स के नाम से। ये देखिए मिक्स्ड मोली है, ये काफ़ी सारी सुंदर छोटी छोटी फिशेस। टाइगर शार्क ये भी यहाँ पे है काफ़ी सारी। ये देखिए एक अकेले तैरती हुई, वाओ। लुक एट दिस वन, फ्लोरिडा गार, ये देखिए। ऑरेंज कलर की कुछ फिश, नाम नहीं दे रखा, वाओ। वाइट विडो टेट्रा, काफ़ी सारी सुंदर छोटी छोटी फिशेज हैं गाइस, देखिए और दूर से दिखाता हूँ। तो गाइस 100 रुपीज़ चार्ज है इसका एक्वेरियम का, और फिलहाल काफ़ी सारी फिशेज हैं द्वारका के कंपेयर में। रेड ईयर स्लाइडर गाइस, ये है रेड ईयर स्लाइडर, और ये एक कछुआ है, ये देखिए। ये यहाँ पे दो कछुए रखे हुए गाइस, ये देखिए। और ये आबा आबा आबा, एक तरीके की सील फिश है देख। जो लोग फिशेस के बारे में जान के रखते हैं ना गाइस, उनको ये इसके बारे में पता होगा। बाकी ये है चाइनीज़ थ्रेड टेल, एक कछुआ है, ये सो रहा है देखिए। ये देखिए एक सोता हुआ कछुआ है। एंडी चेरी बीच शेयर गाइस, ये अजीब से नाम है इनके फिशेस के, लेकिन फिशेस बहुत सुंदर है यहाँ पर डेफिनेटली। और देखिए क्राउड बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ये भी शायद कि आज के बाद शायद क्राउड बढ़ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जस्ट डे आफ्टर होली है तो कोई भी क्राउड ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे है एल्बिनो टाइगर ऑस्कर, बहुत सारे फिशेज है गाइस, आप आइए विजिट कीजिए और मज़ा लीजिए। आई थिंक कि 100 रुपीज़ में जो चार्जेज है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा जो है आपको एंटरटेनमेंट मिलने वाला है यहाँ पे। ये देखिए, और दूसरी चीज़ है कि इन्होंने वॉल्स भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट की हुई है, द्वारका मेले की तरह नहीं है, जैसे वहाँ पे बिल्कुल प्लेन वॉल्स थी। आई थिंक एग्जिट हो गया। और ये आ गया मेन अट्रैक्शन जो कि अंडर टनल एक्वेरियम, ये देखिए। और देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ सेम है लेकिन क्राउड बहुत कम है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए गाइस,
कितनी ब्यूटीफुल फिश है, एकदम लगभग ट्रांसपेरेंट फिश है ये। ये देखिए गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे फिशेस एक साथ इकट्ठे हुए हैं। आई थिंक यहाँ पे क्या हो रहा है पता नहीं। और ये देखिए गाइस, ऑन द फ्लोर एक्वेरियम, वाओ। यहाँ पे भी सारी छोटी बड़ी फिशेज है, ये देखिए। एक और कॉरिडोर फिशेज का। ये देखिए गाइस, एक और बड़ी फिश यहाँ पे, बड़ी ही सीरियस फिश है गाइस, जैसे कि इसको अच्छा नहीं लग रहा हो, बट स्टिल ब्यूटीफुल। तो गाइस ये ख़त्म हुआ एक्वेरियम का सफ़र, और ये आ गया मेला। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर है बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही सारी वैरायटी में। देखिए पहला स्टॉल यहाँ पे है किचन क्रॉकरीज का, 100 रुपीज़ सेल में लगा हुआ है, 60 रुपीज़, 100 रुपीज़, 80 रुपीज़, सब कुछ लगभग लगभग द्वारका के मेले से मैच करता हुआ। लेकिन काफ़ी कुछ एड ऑन्स, जैसे कि यहाँ पे फर्नीचर्स है लकड़ी से बना हुआ, काफ़ी सारा सामान। ये देखिए, एक एंट्रेंस वो भी है गाइस, जो उधर से आएंगे वहाँ से होता हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें। ये टर्किश आइसक्रीम स्टॉल, बुक फिश शॉप, या बुक गाइस नोएडा है तो नोएडा में थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है, द्वारका में जो था वो अलग था। ये देखिए यहाँ पे बुक का स्टॉल दिया हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सब सेल में, हर किसी की पसंद के अपने तरीके से जो है यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई है बहुत सारी, ज़्यादातर सेल्स पे। रिंग स्टॉल्स मैंने आपको दिखाई थी लास्ट वीडियो में भी। गाइस यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से यहाँ पर लगभग स्पेस तो सेम ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। कुछ आज भी स्टॉल्स जो है अभी भी खाली पड़ी हुई है यहाँ पे। 28 अप्रैल तक चलने वाला है मेला, ये देखिए। और यहाँ एक और है डायनासोर पार्क, इस ये भी जाके दिखाते हैं आपको अंदर। तो अभी यहाँ झूले वगैरह लगे हुए सारे, और ये है डायनासोर पार्क, टिकट 70 रुपये की टिकट है। चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ये एंट्री डायनासोर की, और अंदर चलते हैं। गाइस आपको दिखाएंगे डायनासोर पार्क में क्या क्या है। ओके गाइस, तो जो लोग अगर साइंस दिल्ली के साइंस म्यूजियम में गए हों तो उनको ये चीज़ ध्यान होगी कि वहाँ पे भी एक डायनासोर की एक पूरी लोकेशन बना रखी है। एक फ्लोर जो है पूरा डायनासोर के बारे में है, और ये बिल्कुल सेम थीम पे बना हुआ है। ये देखिए, एग में से निकलता हुआ एक डायनासोर, बाकी ये रहा डायनासोर। इनके यहाँ पे साउंड वगैरह भी दे रखा है। यहाँ पे आई थिंक गाइस कुछ रखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल खाली पड़ा हुआ है, खास दिख नहीं रहा है। ये एक बड़ा डायनासोर है जो इसकी यहाँ पे मूव करता हुआ डायनासोर, और एक ये टीरेक्स। कुछ खास नहीं है गाइस, लेकिन बस बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है, अगर बच्चे देखना चाहते हैं तो।
बाकी कुछ खास यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। 70 रुपीज़ अगर आप खर्च करना चाहते हैं तो वीडियो देख के आइए और खर्च कीजिए, अदरवाइज़ कुछ खास मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो गाइज़ ये तो था इतना सा सिर्फ डायनासोर, बाकी इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं है। तो अभी आगे चलते हैं मेले के बारे में और दिखाते हैं आपको। बच्चों के लिए ट्रेन है यहाँ पर, अभी आपको मैं दिखाता हूँ आगे कि झूले कौन कौन से हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। ये एक झूला है यहाँ पे, गाइस ये फेरिस व्हील फिलहाल अभी बंद किया हुआ है, बाकी एक ये वाला झूला। गाइस ये वाटर वाले राइड्स है बच्चों की, फिलहाल अभी ये बंद कर रखी है। ये ट्रेन आती हुई, गाइस कैरोसोल, यहाँ पे भी बहुत सारी छोटी बड़ी जो है राइड्स है यहाँ पर, बाकी यहाँ पे स्टॉल्स हैं। होली की वजह से थोड़ी सी भीड़ कम है एज यूजुअल। हॉन्टेड हाउस है यहाँ पे, ये देखिए। तो गाइस भूत बगल के बारे में बता देता हूँ कि 50 रुपये वेस्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको चीखती हुई चिल्लाती हुई सिर्फ जो है कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, तो पता नहीं क्या है फिलहाल। तो गाइस बाकी कुछ दिखाने को है नहीं यहाँ पर, और मैंने कोशिश की आपको सारी चीज़ दिखाने की। तो सामने से एग्ज़िट करते हुए आपको आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी है जो कि द्वारका मेला में थी नहीं। ये देखिए काफ़ी सुंदर जो है टेंट जो है लैंप बने हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी सुंदर। तो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया चारों तरफ। और ये है नोएडा स्टेडियम में लगा हुआ नोएडा का मेला, जो कि आप देख ही रहे हो चारों तरफ यहाँ पे, ये देखिए। और वैसे तो रात हो चुकी है, लेकिन अब रात का मैं कवरेज करूँगा नहीं, क्योंकि मेन जो है मुझे आपको दिखाना चाहता था वो था यहाँ का एक्वेरियम, वो मैंने आपको शो कर दिया है, और बाकी आप इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पर आके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया ना गाइस, तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिकॉज मिलने वाले हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, न्यू लोकेशन पर और न्यू एंटरटेनमेंट के साथ में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।